अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाई। उम्मीद है आपने मेरी डी फाई से मुतलक जो एजुकेशनल वीडियो है वो वॉच कर ली होगी। इस वीडियो में मैं आपको डी फाई के जो बहुत से सेक्टर्स उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से एक सेक्टर है डेक्सेस, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इन अदर वर्ड्स पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। डेक्सेस के ओरिजिन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मार्केट में इस वक्त डेक्सेस के कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये डेक्सेस आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करवाते हैं, किस तरह आप इन डेक्सेस से बेनिफिट उठा सकते हैं और क्या डेक्सेस में जब आप इंगेज होते हैं कोई सिक्योरिटी कोई रिस्क भी है या नहीं, इन सब को इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नए हैं और लर्न कर रहे हैं तो डीफाई की जो वीडियो मैंने आपको स्टार्ट में बताया अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब आते हैं डेक्सेस के ओरिजिन से पहले। देखिए, हमारा जो रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ये विदाउट परमिशन ये काम नहीं करता। ये परमिशन की क्यों ज़रूरत है इसके ऊपर बहस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमिशन नॉर्मली जब कभी मैंने आप मतलब हम कभी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो अगर हम एक सेट स्टैंडर्ड के नीचे रह के एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें किसी परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमिशन एग्जिस्ट नहीं करती, परमिशन एग्जिस्ट करती है लेकिन वो जनरली ग्रांट कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने अकाउंट से 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आपको वो मिल जाता है, मेरे अकाउंट से माइनस हो जाता है। अब इसमें कहीं भी मुझे परमिशन एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ी। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर मैं ये परमिशन के एक सेट स्टैंडर्ड और नॉर्म से हट के कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूं जिसमें ये जो थर्ड पार्टी है जो जो मुझे परमिशन ग्रांट करती हैं वो फौरन एक्टिव हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फौरन ये वाले जो थर्ड पार्टीज़ हैं जैसे बैंक्स हैं जैसे गवर्नमेंट है हमारे जो रेगुलेटर्स हैं फौरन एक्टिव हो जाएंगे और उन सब से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे ये भी बताना पड़ेगा पैसे आए कहाँ से, मैं पैसे दे क्यों रहा हूँ, ये सारी फौरन आपको ये परमिशन का जो एक हिडन मॉडल है हमारे रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में फौरन आपको आंखें दिखाना शुरू कर देगा। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें आप इस मुल्क से किसी और क्रॉस बॉर्डर जाना चाहते हैं, किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, आपके पास वेल्थ है, लेट्स से कि आपके पास 10 किलो सोना है तो क्या आप सोना लेके जा सकते हैं? ये परमिशन मॉडल फिर आपको बताएगा कि ये कितना ताकतवर मॉडल है। इंसान तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खैर आज से कहा जाता है कि आज से कुछ 100 साल 150 साल पहले जब लोगों के पास ये एक 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 मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए जब पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती थी, जब आप पैसा ही कमाते थे तो उस वक्त कोई आपसे कोई टैक्स भी नहीं लेता था, ये चीज़ें थी। बहरहाल इसमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमिशन के इस रवायती मॉडल को सतोशी नाकामोतो ने सन 2009 में आके इस मॉडल को ब्रेक किया। सतोशी नाकामोतो ने कहा कि भाई हमें एक दूसरे के साथ वैल्यू ट्रांजैक्ट करने के लिए, वैल्यू ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अगर आपका एड्रेस है तो मैं आपके एड्रेस पे फंड ट्रांसफ़र करूंगा, कोई किसी सेंट्रल अथॉरिटी को मेरे से पूछने की इजाज़त नहीं है पैसे कहाँ से आए, पैसे क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या वजूहत हैं, मुझे किसी को टैक्स टुक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल जो है एक मॉडल बना दिया। अब यहाँ पे एक मसला, ये परमिशन के इस मॉडल को बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के ये जो रेवोल्यूशन है इसको देखने के बहुत से एंगल है। इस वीडियो में चूंकि मैं परमिशन को इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डेक्सेस हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इनका काम ही ये है, ये एक ऐसी मंडी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ वैल्यू अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये मंडी मैं इस वजह से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अब रवायती जो हमारी मंडी है वहाँ पर चले जाए, वहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसान है, फूड मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, किसान है तो अगर उसने कोई अपना फल या सब्ज़ी बेचना है तो दुकानदारों ने ख़रीदना है, इन दोनों के दरमियान एक आड़ती बैठा होगा जो इनके दरमियान ब्रिज होगा, और मतलब ये इस तरह कोई ना कोई हमारी जो रवायती फाइनेंशियल मंडियाँ हैं मार्केट्स हैं वहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रल पार्टी है। अब बिटकॉइन ने हमें परमिशनलेस एक इकोनॉमिक मॉडल तो दे दिया
लेकिन यहाँ पे अगर तो हम पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर तो हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर मैं सिर्फ आपको जानता हूँ और मैंने कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है, यानी मैंने कोई कुछ बाय करना है या सेल करना है, तो आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ और आप फिलहाल ना कोई बाय करना चाहते हैं ना सेल करना चाहते हैं, तो मेरी फिर इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे प्रोसेस होगी। तो फिर ज़रूरत महसूस की गई कि क्यों ना बिटकॉइन में भी इस तरह की कोई मंडी हो जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर चुके हों, बेशक वो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। लेकिन बिटकॉइन के स्टार्ट में, इस क्रिप्टो मार्केट ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के स्टार्ट में जो मॉडल क्रिएट किए वो भी सेंट्रलाइज थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी मॉडल क्रैश होना, चूँकि सेंट्रलाइजेशन वजह है हर जो क्रैश की, अगर हम हिस्ट्री को सारा स्टडी करें। जैसे कि बहुत पॉपुलर आजकल एमटी गॉक्स के बारे में आपने सुना भी होगा, वन ऑफ द टॉप सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज था जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ क्रिप्टो एसेट्स बाय और सेल किया करते थे, वो क्रैश हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत महसूस की गई कि क्यों ना हम इसको भी डिसेंट्रलाइज करते हैं। अब सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के कुछ फ़ायदे हैं जिस वजह से बिटकॉइन के स्टार्ट में भी सेंट्रलाइज मॉडल पॉपुलर हुआ है, फिर जब क्रैश हुए तो लोगों ने सोचा नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें सेंट्रल, हमारा तो मेन थीसिस ये है, हमारी तो फिलॉसफी ये है कि हमने परमिशनलेस मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। फ़ायदे इसमें सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ये होता है कि आपने जो एसेट्स ट्रेड करने हैं उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, फिर ट्रांजैक्शन फीस से, लिक्विडिटी का मतलब ये कि वहाँ पे बायर और सेलर का ग्रुप हो, वहाँ पे आर्डर बुक हो, वहाँ पे आप स्पॉट पे भी ट्रेडिंग कर सकें। स्पॉट में ट्रेडिंग का मतलब आप एक मंडी पे जाते हैं और आपने कोई फल बेचना है तो आपने स्पॉट पे उसको बेच देना है, बेशक किसी भी प्राइस पे क्यों ना कोई ख़रीद ले, ठीक है। अगर इसी तरह बाय करना है स्पॉट में तो आपने उसको बाय करना है किसी भी सूरत में, बेशक प्राइस कितनी ज़्यादा महंगी क्यों ना हो, ये होती है स्पॉट में। आर्डर बुक में ये होता है कि आप एक ख़ास प्राइस पे कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आप स्पॉट पे, स्पॉट के अंदर रहते हुए आप जब अपनी मनचाही प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो उसको आर्डर बुक बोलते हैं। तो ये आर्डर बुक जो है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ज़रिए पॉसिबल थी पहले, तो इस वजह से स्टार्ट में बिटकॉइन के रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट में सेंट्रलाइजेशन पॉपुलर हुई, फिर सेंट्रलाइजेशन के लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको कहा, फिर आर्डर बुक की फैसिलिटी, फिर ट्रांजेक्शन जो फीसें हैं वो बहुत कम थी, फिर ये ऑन चेन एक्टिविटी जो थी वो बड़ी एक्सपेंसिव है, यानी मैंने अपनी चेन से आपकी चेन में ट्रांजैक्शंस करनी है तो उस चेन में जब भी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो मुझे गैस फीस पे करनी पड़ेगी। तो बाज़ औक़ात मैं आर्डर अगर कोई प्लेस करता हूँ आर्डर बुक में अपना बाय या सेल का, तो बाद में मेरा माइंड चेंज हो जाता है, तो अगर मैं उसको कैंसिल करता हूँ तो आर्डर प्लेस करने के दौरान भी गैस फीस, आर्डर कैंसिल करने के दौरान भी गैस फीस, इस तरह फिर आर्डर करने पे फिर गैस फीस, तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर गैस फीस। तो इन सारी सिचुएशंस को का एक मुतबादल जो है उस वक्त स्टार्ट में सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो है वो किए गए, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का आगाज़ उस वक्त हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला यार ये सेंट्रलाइज मॉडल जैसे मैंने आपको कहा वो नहीं सही, तो उसके लिए फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का आगाज़ किया गया, यानी डेक्सिस का आगाज़ किया गया। तो डेक्सिस में सबसे पहले जो मेरे नॉलेज में है, जून 2017 में बैंकोर नाम का एक डेक्स लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है एक ईथर एल्टर कुछ इस तरह के नाम का एक डेक्स था, फिर उसके बाद एक आईडेक्स नाम का डेक्स था। ये तीनों डेक्सेस, इनमें से दो जो हैं वो इस वक्त मार्केट से आउट हैं, जो बैंकोर है वो अभी चल रहा है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेक्स हुआ वो यूनिस्वाप है, जो कि नवंबर सन 2018 में लॉन्च किया गया, एडम नाम का बंदा है उसने लॉन्च किया इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो उसके बाद डेक्सेस जो है आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होना शुरू हुए मार्केट में। हर जो ब्लॉकचेन है, हर ब्लॉकचेन का अपना अपना डेक्स है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने फ्रूट सेल करना है तो आप सब्ज़ी वाली मंडी में जाके वहाँ फ्रूट सेल नहीं कर सकते, चले तो आप जाएंगे लेकिन वहाँ कोई ख़रीदार ही नहीं होगा। तो इसी तरह हर ब्लॉकचेन के जो अपने कॉइन्स और टोकन्स हैं, अगर आपने वो बाय और सेल करने हैं तो उसकी ब्लॉकचेन की जो डेक्स है, जो मंडी है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ख़रीदार मिलेंगे। यानी हर जो ब्लॉकचेन है उसका एक अपना डेक्स होता है। कुछ डेक्सेस आते ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ब्लॉकचेन्स के कॉइन्स और टोकन की ट्रेड की फैसिलिटी देते हैं, मतलब किसी आप ऐसी मंडी में भी जा सकते हैं जहाँ पे ना सिर्फ आप फ्रूट ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे सब्ज़ी ट्रेड कर सकते हैं, इवन आप वहाँ गाड़ियों की बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में भी इस तरह के डेक्सेस आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक आइडिया आपने ये जहन में रखना है कि कोई ऐसी मार्केट में ब्लॉकचेन नहीं है जिसका अपना डेक्स ना हो, या उसका कोई
कोई ऐसा डेक्स हो जो कि उसको सपोर्ट ना करता हो, क्योंकि डेक्स होगा तो उसकी ट्रेडिंग होगी, अगर डेक्स नहीं होगा तो फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो बाद में आती है, सबसे पहले जो ब्लॉकचेन है उसके अपने डेक्स होते हैं, डेक्स के बाद फिर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग के लिए वो टोकन जो है वो बाय और सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। अब ये जो क्रिप्टो डेक्सेस हैं आपको ऑफर्स क्या क्या करवाती हैं, जितने भी आपको सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या मंडियाँ हैं वहाँ पर जो कुछ आप करते हैं, स्पॉट करते हैं, फ्यूचर करते हैं, मार्जिन करते हैं, ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हैं, उस सारी की सारी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको क्रिप्टो डेक्सेस जो हैं वो ऑफर करवाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई टोकन देना है या लेना है तो आपको स्पॉट में डेक्सेस मिल जाएंगी। अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, मार्जिन ट्रेडिंग का क्या मतलब है, मेरे पास अगर बिटकॉइन है और मैं इथेरियम खरीदना चाहता हूँ लेकिन इथेरियम का बिटकॉइन के साथ कोई पेयर नहीं है, उसका सिर्फ पेयर मिसाल के तौर पे उसका पेयर सिर्फ यूएसडीटी में है, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि बिटकॉइन को मार्केट में सेल करूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँगा ऐसे डेक्सेस के पास जाऊँगा जो मेरे से बिटकॉइन कोलैटरल ले लेंगे और मुझे बदले में उधार यूएसडीटी दे देंगे, तो मैं वो यूएसडीटी दे के तो इथेरियम खरीद लूँगा। अब जब मैं देखूंगा यार मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं दोबारा इथेरियम प्रॉफिट में सेल करके यूएसडीटी लूँगा, वो यूएसडीटी जो कर्ज़ा मैंने देना है वो कर्ज़ा दे के तो अपना बीटीसी जो है वो वहाँ से छुड़ा लूँगा, अपनी गिरवी जो अमाउंट है वो वापस ले लूँगा। ये मार्जिन ट्रेडिंग भी कुछ लोग करते हैं, तो डेक्सेस में मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन भी है। दूसरी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की भी होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शनल ट्रेडिंग एक ही तरह की होती है, इस दोनों किस्म की ट्रेडिंग में आपने किसी भी एसेट की मुस्तकबिल में प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी इसके हवाले से आपने प्रडिक्शन करनी होती है। फ्यूचर और ऑप्शनल में फ़र्क ये होता है कि फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय करते हैं तो उसमें जब आपका एक्सपायर हो जाता है जो भी डेट आपने, फॉर एग्जांपल आप एक महीने की अगर आप बेट लगाते हैं, तो अगर वो प्राइस अप जाए या डाउन जाए यानी आपकी फेवर में जाए ना जाए वो आपको वो फाइनलाइज करनी होती है ट्रांजेक्शन। ऑप्शनल ट्रेडिंग में ये होता है कि जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, या तो आपने ट्रेड लेने से पहले वो जो प्रीमियम पे किया होता है या तो आप अपना वो प्रीमियम छोड़ दें या आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय कर लें, यानी वो जो एसेट आपने कहा था उसको बाय किया या सेल किया। तो इस तरह की सारी किस्म की जो ट्रेडिंग है आपको डेक्सेस में अवेलेबल है। अब डेक्सेस के कौन कौन से मॉडल इस वक्त मार्केट में मौजूद है, एक को बोलते हैं AMM, एक को बोलते हैं ऑर्डर बुक, एक को बोलते हैं एग्रीगेटर। AMM क्या होता है, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर, यानी जो सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है वो प्लेटफॉर्म जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये है ही पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहां पे यूजर्स ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं यानी यूजर्स ही मार्केट मेकर हैं और यूजर्स ही ट्रेडर हैं। यहाँ पे कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो लिक्विडिटी ऐड कर रही है, रिमूव कर रही है, माइनस कर रही है, प्लस कर रही है, ऐसा कोई नहीं है, यूजर्स। तो इसमें ऑटोमेटिक मार्केट मेकर यानी एक ऐसा मॉडल है जिसमें यूजर्स ही इस प्लेटफॉर्म के मार्केट मेकर होते हैं और यूजर्स ही इसके ट्रेडर्स होते हैं। दूसरा ऑर्डर बुक मॉडल, अच्छा ये भी AMM के अंदर ही ये एक ऐसा मॉडल है कि यूजर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपने खास प्राइस पे टोकन बाय और सेल करना होता है, तो AMM में नॉर्मली टोकन स्वाप किए जाते हैं, आपने किसी भी डेक्स पे जाना है, आपने एक टोकन देना है और बदले में दूसरा टोकन लेना है, तो वो फौरन इसको स्वाप बोलते हैं, इसको स्पॉट ट्रेडिंग कह लें या स्पॉट कह लें। लेकिन अगर आपने एक मखसूस प्राइस पे बाय और सेल करना है तो इसके लिए भी आपको ऐसे डेक्सेस चाहिए जहां पे आप उनकी ऑर्डर बुक पे जो है ऑर्डर प्लेस कर सकें। अच्छा ऑर्डर बुक भी डेक्सेस के अंदर दो किस्म की है, एक को ऑफ चेन बोलते हैं, एक को ऑन चेन बोलते हैं। ऑफ चेन यानी कुछ ऐसी डेक्सेस हैं जहाँ पे आप ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाता है। ऑर्डर बुक यानी ऑन चेन ट्रांजैक्शन नहीं होती, आपकी गैस फीस नहीं लगती, लेकिन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉक हो जाते हैं आपके फंड्स। जब कभी आपने उसको कैंसिल करना है वो कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा प्लेस करना है आप कर सकते हैं, इसको ऑफ चेन डेक्सेस ऑर्डर बुक ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑन चेन ये होता है कि आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन करनी है, उसमें गैस फीस आपको चाहिए। तो मार्केट में ऑर्डर बुक भी दो किस्म की है जो मैंने आपको बता दी है। एक और डेक्सेस का मॉडल है एग्रीगेटर, यानी ये इटसेल्फ जो डेक्सेस हैं इनकी अपनी कोई लिक्विडिटी नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं कि ट्रेडर्स को मार्केट में जितनी डेक्सेस हैं उन डेक्सेस की बेस्ट प्राइसेस जो हैं वो सर्च करके, वो एग्रीगेट करके उनको दिखाते हैं। तो ये सारे जो हैं, इंशाल्लाह मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से मार्केट में इस वक्त प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन सा वो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से बेस्ट हैं, तो उनको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं।
अब इनमें से बेनिफिट क्या है इन डेक्सेस को यूज करने का? ऑब्वियसली सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक परमिशनलेस ट्रांजैक्शन, एक इकोनॉमिक मॉडल है। दूसरा यह है कि आप एज अ यूजर इस प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज हो सकते हैं दो तरीके से। एक तो आप ट्रेडर, यानी अगर आपने टोकन स्वाप करना है, ट्रेड करना है, तो आपको आप उन इन इंडेक्सेस के ऊपर जाके आप टोकन स्वाप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, आप मार्केट मेकर बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो डेक्सेस होते हैं, यहां पे यूजर्स ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और यूजर्स ही जो है वो ट्रेड करते हैं। तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं और मार्केट मेकर भी बन सकते हैं। मार्केट मेकर का मतलब आप वहां पे अपनी लिक्विडिटी, अपने एसेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एसेट्स अगर कोई आपके यूज करेगा तो फिर आपको जाहरी बात है उसका बेनिफिट होगा, जो कि बेनिफिट के सेक्टर में, मतलब आप अगर मार्केट मेकर बनते हैं डेक्सेस के तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। एक तो सबसे पहले, जब भी कोई टोकन ट्रेडर जो है जब ट्रेड लगाएगा तो उसमें जो ट्रेडिंग फीस है उसका एक खास हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है। खास हिस्से से मराद अच्छा खासा, क्योंकि ये जो डेक्सेस होते हैं इनकी बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है, सारी की सारी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं उनकी फीस होती है। तो एक तो आपको फीस मिलेगी ट्रेडिंग, दूसरा आपको कुछ ऐसे डेक्सेस हैं अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको अपने टोकन देते हैं, यानी इसको एलपी बोलते हैं, लिक्विडिटी एलपी टोकन्स बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग आप टोकन्स आप कह लें। वो टोकन आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे अगर स्टेक करते हैं, उनके पूल्स में ऐड करते हैं, तो वहां पे आप यील्ड अर्न करते हैं, वहां पे आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न करते हैं टोकन्स की सूरत में। अच्छा, फिर अगर आप मार्केट मेकर बनते हैं तो आप उन डेक्सेस के प्रोटोकॉल में, उनकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोस्टली ये जितने आपको डेक्सेस हैं, मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह अलग एक वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी कि ऑलमोस्ट सारे जो डेक्सेस हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे, कुछ एक टॉप प्रोटोकॉल्स को छोड़ के, हर एक ने अपने अपने जो टोकन्स हैं वो रखे हैं गवर्नेंस के लिए। तो अगर आपके पास, अगर आप मार्केट मेकर बनते हैं और अगर आपको वो टोकन्स मिलते हैं तो आप उनकी गवर्नेंस में, उनकी फैसला साजी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क कौन से हैं? रिस्क ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये, चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, इथेरियम एक एप्लीकेशन चेन है, उसके ऊपर कोई बंदा भी अपना लॉजिक पेश करके अपना एक बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल जो है उसको एक टोकन या प्रोटोकॉल की सूरत में लॉन्च कर सकता है। तो चूंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिस्क जो हैं वो इसमें रहते हैं। दूसरा, एक अगर आप मार्केट मेकर बनते हैं तो इम्परमानेंट लॉस एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि आपको इसमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ये इम्परमानेंट लॉस क्या है, कौन कौन से मार्केट में ऐसे डेक्सेस हैं जिन्होंने इसको मिनिमाइज किया है, ऐसे कौन से हैं जिन्होंने इम्परमानेंट लॉस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, तो आप वहाँ पे मार्केट मेकर जो है वो बन सकते हैं।